बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से खास पहचान बना ली है। कार्तिक आर्यन के काम को देखते हुए उनके साथ तमाम डायरेक्टर काम करना चाहते हैं और उनकी पाइपलाइन में कई फिल्में हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि कार्तिक आर्यन को अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की हिट फिल्म तेजाब के रीमेक में लिया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया कि फिल्म तेजाब के रीमेक में कार्तिक आर्यन ने रणवीर सिंह को रिप्लेस कर दिया है। अब कार्तिक आर्यन ने इन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है। इस पर कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया के जरिए रिएक्शन दिया है। कार्तिक आर्यन ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यह सच नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी बनाया। इस तरह कार्तिक आर्यन ने क्लियर कर दिया कि फिल्म तेजाब का रीमेक नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि मेकर्स की तरफ से भी अभी इस फिल्म के रीमेक को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है और न ही स्टार कास्ट को लेकर कोई घोषणा हुई है। कार्तिक आर्यन के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिल्म सत्य की प्रेम कथा, फिल्म आज के 3, फिल्म कैप्टन इंडिया में काम करते नजर आएंगे। कार्तिक आर्यन पिछली बार फिल्म शहजादा में नजर आए थे। फरवरी में रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। वहीं दोस्तों रणवीर सिंह फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम करते नजर आएंगे। रणवीर सिंह पिछली बार फिल्म सर्कस में नजर आए थे। बीते साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से दें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।